असल स्टूडेंट्स वर्चुअल यूनिवर्सिटी में खुशामदीद आप देख रहे हैं भैयू खानपुर आपका अपना चैनल आज हम बात कर लेंगे मेरिट बेस स्कॉलरशिप्स और ये होगी कंटिन्यू स्टूडेंट्स के लिए इससे पहले मैं आपके साथ दो वीडियो शेयर कर चुका हूँ अगर आपने वो देखी हो तो उसमें एक थी नीट बेस स्कॉलरशिप और दूसरी थी मेरिट बेस स्कॉलरशिप इसमें मैंने ये बताया था कि आपको ये जो नीट बेस है इसमें अप्लाई करना पड़ता है और इसमें जो मेरिट बेस है इसमें अप्लाई नहीं करना पड़ता ये वाली जो मेरिट बेस है जो न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट्स के लिए थी उसमें उनकी पिछली डिग्री की बेस के ऊपर होता है जो जिसकी बेस के ऊपर वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी में आके एडमिशन लेते हैं और आज की जो वीडियो है वो जो कंटिन्यू स्टूडेंट्स के लिए है तो ये उस बेस पे होती है जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी में उनका आके सेमेस्टर गुजरता है और उस सेमेस्टर की बेस के ऊपर उनका फिर रिज़ल्ट आता है तो मज़ी तफसल हम देख लेते हैं और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो कर लें ताकि इस तरह से जो भी वीडियोस बनेगी वो आप तक लाजमी पहुंच जाए और साथ साथ ये बता दूं कि स्प्रिंग 2024 के एडमिशन ओपन हैं उस सिलसिले में वीडियोस भी हम शेयर कर रहे हैं और ऐड भी चल रहा है आप उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो फिर रबता कर सकते हैं चलें अब हम चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ नीट बेस के ऊपर बन चुकी है फ़िल्म सॉरी वीडियो और उसके बाद मेरिट बेस जो न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट हैं उनके ऊपर भी बन चुकी है अब आज हम देख लेते हैं कंटिन्यू स्टूडेंट्स कंटिन्यू जैसे मैंने बताया कि वो स्टूडेंट होते हैं जिनका वर्चुअल यूनिवर्सिटी में पहला सेमेस्टर होता है यानी वो पिछली डिग्री की बेस के ऊपर तो न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट्स को मिल जाती है अब जब वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी में आ गए उनका पहला सेमेस्टर गुजरा और उनका रिजल्ट भी आया अगर वर्ष यूनिवर्सिटी में आके उनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आ जाता है तो फिर यहाँ पे उनको स्कॉलरशिप मिल जाती है कितनी मिली है ये, ये पूरी की पूरी यहाँ पे डिटेल लिखी हुई है और इवन कि यहां के यहाँ पे कैंपस के नंबर कोड भी लिखे हुए हैं इस तरह मिल सकती है अब देखें बैच है स्टूडेंट आईडी है कैंपस का कोर्ड साथ में लिखा है सेमेस्टर सी कितना उसने लिया इस सेमेस्टर में और स्कॉलरशिप कितनी मिली तो ये पहला स्टूडेंट्स है या है या कोई भी हो सकता है या हो सकती है उसका आई डी है थ्री पॉइंट थ्री के साथ उसको फिफ्टी परसेंट इस्कॉलरशिप मिली है उसके बाद बी बी आई टी में थ्री पॉइंट थ्री टू के साथ फिफ्टी परसेंट और ऐसे ही चेक करते जाएंगे बी एस बायोटेक्नोलॉजी में हंड्रेड परसेंट के साथ भी हैं और उसके बाद हंड्रेड परसेंट दो सेवेंटी फाइव परसेंट ट्वेंटी फाइव परसेंट और अगर आप जाएं बी एस बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में तो चार सी जी पी पी स्टूडेंट की आई है सेमेस्टर में जो उसने पास आउट किया है और उसमें देखें हंड्रेड परसेंट स्कॉलरशिप हंड्रेड परसेंट का मतलब है कि जितनी भी उसकी टोटल फ़ीस थी सेमेस्टर की अगर मैं आपको बताऊं कि कितनी फ़ीस होती है एक सेमेस्टर की नॉर्मल अगर उसमें प्रैक्टिकल वगैरह नहीं होते तो वो होती है सत्रह हज़ार नौ सौ पैंतीस रुपये तकरीबन फीस होती है एक सेमेस्टर की तो ये सारे के सारे जिसको 100 परसेंट मिली है उसकी सारी की सारी फ़ीस यूनिवर्सिटी ने ऑफ़ कर दी यानी उसे पे नहीं करनी पड़ेगी अगर उसने पे कर दी है तो फिर वो अगले सेमेस्टर में एडजस्ट करवा सकता है सेवेंटी का मतलब है कि सत्रह नौ सौ पैंतीस का सेवेंटी फाइव परसेंट यानी तीन हिस्सा यूनिवर्सिटी ने पे कर दी एक हिस्सा ही स्टूडेंट खुद पे करेगा और अगर पच्चीस परसेंट है तो एक हिस्सा स्टूडेंट पे करेगा और तीन हिस्से एक हिस्सा यूनिवर्सिटी पे करेगी और तीन हिस्से स्टूडेंट को वो फ़ीस पे करनी पड़ेगी इस तरह फिफ्टी परसेंट है तो सत्रह नौ सौ पैंतीस का आधा यूनिवर्सिटी पे कर देगी उसके एल एम एस में और आधी स्टूडेंट को ख़ुद पे करनी पड़ती है अब उम्मीद है कि आप ये चीज़ समझ के होंगे कि ये जो मिलती है किस बेस के ऊपर मिलती है आपका वर्चुअल वर्च यूनिवर्सिटी में दूसरा सेमेस्टर तीसरा चौथा पाँचवाँ छठा सातवां कोई भी हो सकता है पहला नहीं होगा यानी पहला जब आप पास कर लेते हैं तो उसका जो रिज़ल्ट आता है उसकी बेस के ऊपर ये स्कॉलरशिप आपको मिलती है फिर दूसरा हो सकता है कि दूसरा जब आपने पास आउट कर लिया दो सेमिस्टर हो गए और उसका रिज़ल्ट जब मिला तीसरे में आप कंटिन्यू होंगे और इस तरह आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है मेरिट बेस इसमें कोई अप्लाई नहीं करना पड़ता ये ऑटोमेटिक आपके रिज़ल्ट के ऊपर होती है अब अगर इंग्लिश में देख लें तो 100% है 3.99 पॉइंट के साथ सेवेंटी फाइव परसेंट सेवेंटी फ़ाइव परसेंट और थर्टी एट परसेंट ओवरसीज़ यानी जो पाकिस्तान से बाहर हैं उनको भी ये स्कॉलरशिप मिल सकती है शर्त यह है कि उनका सी जी पी ए रिज़ल्ट बहुत अच्छा होना चाहिए इस तरह काफ़ी सारी डिग्रीज़ हैं और आगे अगर चलते जाएँ तो फिर यहाँ अगर देखें तो मैं अपने स्टूडेंट की अगर बात करूं तो ये हमारे कैंपस के स्टूडेंट हैं और हमारे कैंपस का जो कोड है वो पी के एच पी जीरो वन है ये एक स्टूडेंट इसके बाद ये बी एस बायोटेक्नोजी में दूसरे स्टूडेंट्स और यहाँ देखें कि बिल्कुल फोर सी जी पी उनका आया है इस सेमेस्टर में अब उनका ये करंट सेमेस्टर भी हो सकता है या कोई और भी हो सकता है मैं आपको बता देता हूँ इसको ज़रा मिनिमाइज़ कर लूँ बी एस बायोटेक्नलोलॉजी में एक स्टूडेंट की स्कॉलरशिप लगी है और उसके बाद फिर बी एड में देखें थ्री पॉइंट नाइन एट सी जी पी ए है और इवन के स्टूडेंट्स की चार सी जी पी भी आ चुकी है इस तरह हमारे कैंपस के जो तीन स्टूडेंट हैं उनको दो को तो मिली है हंड्रेड परसेंट जोलॉजी में एक को सेवेंटी फाइव परसेंट एक को हंड्रेड परसेंट और एक को फिफ्टी परसेंट यानी एक सौ के साथ है एक 75% सेवेंटी फाइव परसेंट और एक फिफ्टी परसेंट यानी आधी उसकी जो ट्यूशन फ़ीस है वो यूनिवर्सिटी की तरफ से पे हो जाएगी अब आप अपने अपने नाम चेक कर लें और फिर इसके बाद ये है कि ये जो फ़ीस है ये आपके अकाउंट बुक में अपडेट कर दी जाती है अब तो मसला ऐसे है कि एक आखिरी सेमेस्टर आखिरी मंथ बाकी बचा हुआ है फ़ीस का यानी मार्च की फ़ीस आपके अकाउंट बुक में पेंडिंग होगी उस जो आपने दस या बारह तारीख को पे करनी होती है तो उस से पहले पहले सारी पे हो चुकी हैं तो अगर किसी को 100 परसेंट मिल चुकी है स्कॉलरशिप तो इसका मतलब है कि वो यूनिवर्सिटी ने भी उसको दे दी और उसने ख़ुद भी सारी फ़ीस पे फे करती हुई है तो फिर क्या करना है अब आपके अकाउंट बुक में कैसे ये शो होगी अगर यूनिवर्सिटी उसको ट्रांसफ़र कर देती है तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ और एल ओपन करने के बाद आपने सीधे जाना है अपने अकाउंट बुक में अकाउंट बुक में लास्ट पे आप चेक कर सकते हैं ये सेमेस्टर वाइज हो सकता है कोई पहले में होगा कोई दूसरे में होगा कोई तीसरे में होगा ये जो आपकी लास्ट लास्ट में फ़ीस होगी जिस तरह ये लिखा हुआ है ना इंटरनल ट्रांसफ़र तो जिस वोचर के सामने इंटरनल ट्रांसफ़र होगा लिखा हुआ है वो यूनिवर्सिटी की तरफ से वो फ़ीस पेड हो चुकी होगी आपके अकाउंट बुक में अगर यहाँ देखें आ, ये स्टूडेंट की एक इस सेमेस्टर में स्कॉलरशिप लगी है वो पेड है फिर तो उसके बाद यहाँ पे देखें कि ये भी फ़ीस इंटरनल ट्रांसफ़र है इंटरनल ट्रांसफ़र के ये चार पांच वोचर नज़र आ रहे हैं इस तरह आपकी जो फीस है वो यूनिवर्सिटी की तरफ से पे हो जाती है अब ये है कि अगर आपने जैसे मैंने अभी बताया है कि आपको मिली स्कॉलरशिप हंड्रेड परसेंट हंड्रेड परसेंट इस्कॉरशिप मिली है और सिर्फ आपका सिर्फ़ एक वोचर बाकी है यानी अठारह बीस हज़ार में जो फ़ीस है आपका सिर्फ दो तीन हज़ार रुपये पेंडिंग है तो फिर आपने करना कि क्या है कि आप जाएँगे आपने वर्च यूनिवर्सिटी के साइट के ऊपर जाना है और इसे हम कहा जाता है वर्चुअल यूनिवर्सिटी सपोर्ट सिस्टम इस तरह आप कंटेक्ट में जा के हेल्प के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद आपने यहाँ से अपने आईडी और पासवर्ड से जो एलएमएस के लिए आप यूज़ करते हैं उसको आपने जैसे ही ओपन हो जाएगा उसके बाद आपने जाना है डायरेक्टोरेट ऑफ फाइनेंस में और फिर उसके बाद आपने इसको यहाँ से क्लिक करके फीस मैटर बीएस में चले जाएंगे या फीस मैटर अदर में चले जाएँ या नीड बेस्ड स्कॉलरशिप में चले जाएँ इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन आप लेकर यहाँ से आप इसको चेक कर लेंगे कोई भी आ, जो बेहतर लगे आपको ऑप्शन उसमें से जो रेलिवेंट ज़्यादा लगे उसमें से आपने एप्लीकेशन यहाँ पे लिख देनी है कि सर आ, रिस्पेक्टर सर मेरी स्कॉलरशिप लगी है फॉल 2023 में अब ये जो है ये स्कॉलरशिप वाली है फॉल 2023 सेमेस्टर के लिए और अपना आईडी भी लिख देंगे अपना सीरियल नंबर भी लिख देंगे गए गए कि ये सीरियल नंबर है और आपकी ये डिग्री है तो आपको इतनी स्कॉलरशिप मिली है ये जहाँ सामने आपके लिखा हुआ है तो आप उनको लिख देंगे कि आपकी जो स्कॉलरशिप है ना ये फ़ीस है या कैश है वो आपके अगले सेमेस्टर में ट्रांसफ़र किया जाए अब यहाँ पर है कि अगर तो है आपका बिल्कुल आखिरी सेमेस्टर और आपकी डिग्री कम्प्लीट हो चुकी है तो फिर ये जो फीस है अगर जितनी भी आपको मिलती है स्कॉलरशिप तो ये आपको एक बैंक ड्राफ्ट के ज़रिए आपको पे कर दी जाती है यूनिवर्सिटी की तरफ से अगर आपके सेमेस्टर भी बाकी हैं यूनिवर्सिटी में मज़द एक बाकी है दो बाकी है या तीन बाकी हैं तो फिर ये जो इस्कालशिप है अगर आप पे कर चुके हैं तो लाजमी तौर पर है क्या पे सभी स्टूडेंट कर चुके हैं सुखिरी महीने की फ़ीस के तो ये फिर अगले सेमेस्टर के लिए आप एडजस्ट करवा सकते हैं यानी ये जो फ़ीस है कैश आपको मिला है कैश इसको कहा जाता जा सकता है लेकिन कैश होता नहीं है ये डिजिटली आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाती है तो ये अगले सेमेस्टर में आप ट्रांसफ़र करा सकते हैं और अगले सेमेस्टर में आपको ये पे नहीं करनी पड़ेगी अब आ जाए कि अमाउंट कितनी है ये जो अमाउंट है स्कॉलरशिप uh, की ये अनकरीब आपको जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी की ई स्टूडेंट को बना के दी जाती है उसमें आपको बता दिया जाएगा कि इतनी स्कॉलरशिप आपको मिली है यानी उस अमाउंट का भी जिक्र कर दिया जाएगा फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि असल में जो टोटल अमाउंट है वो कितनी है उम्मीद तो है कि ये चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल होंगी और जाते जाते इसमें लास्ट में एक ई मेल एड्रेस भी दिया हुआ है ये वाला अगर कुछ हाँ। आपको लगता हो कि आपको मिलनी चाहिए थी या कोई क्लेम हो आपका तो फिर यहाँ पे आप रहा कर सकते हैं बाकी जो क्राइटेरिया है स्कॉलरशिप का वो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस सिनेरियो में अगर आपकी सी जी पी आता है तो फिर आपको वो स्कॉलरशिप मिल सकती है और एक चीज़ और भी है कि जितने आ, हो सकता है कि दस स्टूडेंट्स हों किसी एक में जिनका सी जी पी चार आ जाए तो जो टॉप थ्री हैं उनको मिलेगी के सभी लोगों को तो मज़ीद जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहें मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह